वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर को INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस समेत देश की कुल 28 पार्टियां शामिल थी। विपक्षी पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मोदी सरकार के NDA गठबंधन को हराने की तैयारी पर मंथन हुआ। इधर दूसरी तरफ मुंबई में हो रही INDIA गठबंधन की बैठक के बीच गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होकर शुक्रवार 1 सितंबर की शाम पटना लौटे बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार को बहुत बड़ी सलाह दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को सुझाव देना चाहते हैं कि पहले वन नेशन वन इनकम कर दे, ताकि सब लोगों का एक जैसा और एक समान इनकम हो। देश में बेरोजगारी है और गरीबी भी है, पहले वन नेशन वन इनकम करे। तो सबसे पहले आप सुनिए तेजस्वी यादव को क्या कुछ बोल रहे हैं। जहाँ तक वन नेशन वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। तो आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को क्या कुछ बोल रहे थे। वो साफ शब्दों में वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि पहले वन नेशन और वन इनकम करें, ताकि देश के जितने भी जनता हैं उनका इनकम सामान्य हो जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।